हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मदरसवाग इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश प्रोज। प्लीज टेक आउट योर बीहाइव बुक। आई विल टीच यू लेसन टू। द चैप्टर नेम इज The Sound of a Music, written by Deborah Cowling. In this lesson, the writer describes about a deaf girl who is unable to hear any sound, but he felt only music. How he have learned the music, how he like music. The writer described in this poem about the girl. In this lesson, the writer said that God may have taken her hearing, but he was giving her back something extraordinary. What we hear, she feels for more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautiful. Now we start the first paragraph of the lesson, The Sound of Music, written by Deborah Cowling. बच्चों, इस पाठ में लेखक ने एक बहरी लड़की के बारे में बताया गया है कि ईश्वर ने उसे बहरा कर दिया है, लेकिन वो उस किस तरीके से संगीत को महसूस करती है और संगीत के साउंड को, आवाज़ को सुन करके वो एक संगीत की दुनिया में फेमस होती है, इस बात को लेखक ने यहाँ बताया है। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। रश आवर क्राउड जॉस्टिल फॉर द पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर का मतलब भगदड़ का समय, सभी लोग भगदड़ का समय। क्राउड बने भीड़। जोस्टिल का मतलब धक्का मुक्की। पोजीशन मने स्थित। ऑन द अंडरग्राउंड यानी भूमिगत, अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के अंदर, यानी भूमि के अंदर जो है प्लेटफॉर्म पर। यानी लेखक कह रहा है कि रस आवर क्राउड जोस्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ में लोग आगे स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की दे रहे थे। आप जानते हैं कि जैसे ही ट्रेन आती है, लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं और वो अपना स्थान ग्रहण करने के चक्कर में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस। इट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। देखा कह रहा है कि ए स्लाइट गर्ल यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी 17 वर्षीय। देखा कह रहा है कि एक 17 वर्षीय लड़की जो अपनी आयु से छोटी प्रतीत हो रही थी, वाज नर्वस, वो बड़ी हताश थी, छोटी प्रतीत होती थी। वो पास आती हुई ट्रेन के कंपन को अनुभव करके कुछ हताश हो गई, एक्साइटेड थी। वाज नर्वस इट एक्साइटेड एज सी फेल्ट वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन। आती हुई ट्रेन के कंपन को सुन करके बहुत हताश थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ द म्यूजिक इन लंदन। ये जो था कि वो उसके ये लेकिन वो उत्तेजित थी, लेकिन लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी,
रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में उसका एक प्रथम दिन था, पहला दिन था। एंड अनडॉन्टेड इनफ फॉर एनी टीनगर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, और लेखक कह रहा है और स्कॉटिश यानी स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई किसी किशोरी के लिए डरने वाला भी था। फिर आगे कह रहा है बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंजेस देन मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डीप बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन लेकिन संगीतकार म्यूजिशियन का मतलब संगीत लेकिन संगीतकार बनने की आकांक्षा एस्पायरिंग मतलब आकांक्षा संगीतकार बनने की आकांक्षा करने वाली इस लड़की के सामने तो औरों की अपेक्षा और बड़ी चुनौती थी। सी वाज प्रोफाउंडली डीप जबकि वो पूरी तरीके से बहरी थी। डीप का मतलब बहरी। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ द हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। लेखक कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी को की जो सुनने की शक्ति का नुकसान हो गया था लॉस हो गया था इसका मतलब वो बहरी हो गई थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग सुनने की शक्ति जो है वो छीण हो गई थी। हैड बीन ग्रेजुअल छीण हो गया कम हो गई थी। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग यानी उसकी माँ को याद है कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक है समथिंग वॉज रॉन्ग कुछ गलत हुआ। When the 8 years old Evelyn, जब आठ वर्ष की Evelyn was waiting to play the piano, जब 8 वर्ष की Evelyn पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी तभी जो है ये घटना उसके साथ में हुई। They called her name and she did not move. उसका नाम पुकारा गया और लेकिन वह ना उठी। He did not move. मैंने अचानक महसूस किया कि उसे सुनाई नहीं दिया वो सुन नहीं पाई। आइजेबल ग्लेनी और उसने आइजेबल ग्लेनी कहती है फॉर क्वाइट अ व्हाइल यानी काफ़ी समय तक। फॉर क्वाइट एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम द फ्रेंड एंड टीचर्स। काफ़ी देर तक जो है एवलिन मैनेज करती रही ये छिपाने के लिए कि वह जो है अपने बहरेपन के टीचर से और अपने मित्र से छुपाने का प्रयास करती रही उसमें सफल रही। फिर आगे कह रहा बट बाई द टाइम सी वाज इलेवन ग्यारह वर्ष की हुई ही सी वाज इलेवन हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्स्ट हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट यानी कह रहे हैं कि बाई द टाइम सी वाज इलेवन जब वो इलेवन वर्ष ग्यारह वर्ष की हुई तो हर मार्क हैड बीन डिटेरियोरेटेड तो ग्यारह वर्ष की जब हुई जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसके अंक कम होते गए। मार्क डिटोरेट का मतलब कम होना उसके मार्क कम होते गए और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि उसे वो यानी एवलिन को जो है वो किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए और तब जो है
they were advised, sorry, it was then discovered, तब उन्होंने उसे खोज किया था कि her hearing was severely impaired as the result of the gradual nerve damage. तब उन्हें पता चला कि स्नायु के धीरे धीरे खराब होने से उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से बिगड़ गई है. तब उसकी स्नायु शक्ति गंभीर रूप से बिगड़ गई है. दे वेयर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दिया गया कि शी शुड दे फिटेड विद हियरिंग एड्स. ठीक है, उसे सलाह दिया गया कि उसे श्रवण यंत्र लगवाया जाए, उसे सुनने वाला यंत्र लगवाया जाए. हियरिंग एड्स का मतलब सुनने वाला यंत्र लगवाया जाए. एंड सेंट टू स्कूल फॉर डीप, और बहरों के स्कूल में भेजा जाए, बहरों वाले स्कूल में उसे भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवरी, और इस प्रकार से एवरीथिंग सभी अचानक जो है सब जो है सब और निराश सब सभी अचानक ये निराश निराश होने लगे. एवलिन ये बात को बताती है. एवलिन सडनली लुक्ड ब्लैक. एवलिन बताती है कि एवलिन अचानक जो है को ये सब निराशा प्रतीत होने लगी, मतलब इन सब चीज़ों को सुन करके वो बिल्कुल निराश हो गई थी. तो बच्चों आज का पैराग्राफ हम यहीं समाप्त करते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए अगली वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.